रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा हो गया है और आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ बस म्यूज़ियम में, जो कि ये चीता महल में वाक़िया है। और यहाँ पे पुरानी जितनी भी क्लासिक बसेस हैं 1970 और 60 की दहाई की, जो बरतानिया के अंदर चलती रही हैं, वो आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनमें राइड भी लें और म्यूज़ियम के अंदर और भी पुराने के तारीख़ी कुछ चीज़ें मौजूद हैं। जी व्यूअर्स, हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं म्यूज़ियम ट्रांसपोर्ट ग्रेटर मैनचेस्टर, और आप देख सकते हैं पुरानी बस यहाँ पे खड़ी है। ये म्यूज़ियम का एंट्रेंस है इस साइड पे। सॉरी ये पुराने ज़माने का इंजन यहाँ पे पड़ा हुआ है। बस की टाइमिंग यहाँ पे है, अभी बस जो है वो थोड़ी देर में आएगी। हम लोग जो है वो हीटन पार्क या पिकेडिली वाली बस में बैठेंगे। जी व्यूअर्स, हमने टिकट ले ली है, 5 पाउंड एडल्ट टिकट है और बच्चे जो हैं 16 साल से अंदर के जो हैं वो फ्री जा सकते हैं अंदर। ये आप देख सकते हैं पुराने ज़माने की बग्घी है, इसके आगे घोड़े लगे हुए हैं। अठारह से 1914 तक ये जो है सर्विस में रही है। ये 1956 से लेके 1971 तक ये बस जो है सर्विस में रही है। ये गैराज स्टाफ का जो है ये पंच इन, ड्यूटी पे जब आते थे उस ज़माने में तो यहाँ पे कार्ड पंच करते थे। ये पुरानी बस है, आपने ये अगर आपका ताल्लुक इंडिया पाकिस्तान से है तो आप देख सकते हैं कि बम्बई और कराची में ये बस उस ज़माने में चला करती थी। ये रूवर गाड़ी है। ये फायर ब्रिगेड है, ये 1960s का फायर ब्रिगेड ट्रक है, लैंकाशायर यूनाइटेड। चलिए आया, अब हम आपको इस बस के अंदर लेके चलते हैं।
इसके अंदर जो है आप जा सकते हैं। ड्राइवर की जगह आप देख सकते हैं। ऊपर भी चलते हैं। ये लाइलैंड बस है और ईस्ट लैंकाशायर में चलती थी 1969 से लेकर 1981। चलिए इसके अंदर चलते हैं। व्यूअर ये देखें, पुराने ज़माने में टिकट की मशीन जो थी टिकट इशू करती थी, वक्तन फवक्तन ये किस तरह तब्दील होती गई है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये डिजिटल न्यू टेक्नोलॉजी आ गई। और ये अभी लेटेस्ट जो है वो इस तरह की है और लोअर हॉल डिस्प्ले एंड एग्जिबिशन। ये 1949 की है। माशाल्लाह से काफ़ी सारी बसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें बच्चों के साथ। ये 1939 की बस है ये। ब्रिगेड आप देख सकते हैं। ये जो है हाजिर सर्विस 1941 से लेके 1941 से 1962।
ये टिकट ऑफिस है पुराने ज़माने का, आप अंदर इसको देख सकते हैं। कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। पुराने ज़माने का दफ्तर भी बना हुआ है यहाँ पे, गैराज पे मैनेजर का ऑफिस है ये पुराने ज़माने का। आगे लॉस्ट प्रॉपर्टी का ऑफिस है। ट्रैफिक ऑफिस, पुराने ज़माने का टाइपराइटर भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये बस जो है 1927, आई थिंक ये सबसे पुरानी जो है हमने अभी तक। ये ड्राम है, ये 1990s की मैनचेस्टर की ड्राम है। हाँ, इसके अंदर लेके चलते हैं आपको। यहाँ पे टी रूम भी है, अगर आपको चाय वगैरह पीनी है तो स्नैक या रिफ्रेशमेंट। ये वही ये जगह जहाँ पे हम आए हैं, ये पुरानी तस्वीर है यहाँ की। ১৯০১ में ये ओपन हुआ था। जी व्यूअर्स, करीम और ऑरेंज बस जो है वो रवानगी के लिए तैयार है और हम इसमें बैठेंगे। अब हम इस बस में बैठेंगे और राइड लेंगे। ७० सीटें हैं इसके अंदर। बड़ी प्यारी और खूबसूरत बस है। जी
जी व्यूवर्स, हम लोग इस बस में बैठ गए हैं और अभी हम लोग राइड लेंगे थोड़ी सी हीटन पार्क की तरफ। तो आप देख सकते हैं बस कितनी मेंटेन और साफ़ इन्होंने रखी हुई है। बाकी बसें भी यहाँ पे आके खड़ी हुई हैं। ये भी आप इनमें से कुछ पिकेडिली और दूसरे रूट्स पे जाएंगी। बस जो है हीटन पार्क रुक गई है। इसके बाद जो है हम लोग वापस म्यूज़ियम की तरफ रवाना हो जाएंगे। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ हीटन पार्क में ये पुराने ज़माने की ट्राम चलती है। अचानक ही बस जब यहाँ पे रुकी तो मेरी नज़र इस पर पड़ी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना नीचे उतर के आपको भी इसका व्यू कराया जाए। सो नाइस, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इसकी भी राइड जो है वो फ्री है, ये हीटन पार्क के अंदर जो है आपको ट्रैवल कराती है। माशाल्लाह तो बहुत ही प्यारी है और कैसे वेल मेंटेन की हुई है इन्होंने। जी हमारा टूर ख़त्म हो गया है और अब हम बस म्यूज़ियम वापस पहुंच गए हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपने एंजॉय की होगी और इस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिएगा जब भी आप मैनचेस्टर आएंगे, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।